हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आज आपको ये सॉक्स बताने जा रही हूँ। ये देखिए एडल्ट सॉक्स है, मतलब गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए आ जाएगा। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ये आप कितना भी लंबा रख सकते हो, ये आपके पंजे का नाप लेके आपको बनाना पड़ेगा। और ये पूरा जो है, ये जिसका मैंने बनाया उसके पंजे का नाप है। ये पूरा यहाँ पे हील से लेके यहाँ पे टो तक। और ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है, ये आप कितना भी लंबा रख सकते हो, जितना चाहिए आपको। जहाँ तक रखोगे वहाँ का भी आपको मेजरमेंट लेके फिर फंदे डालने हैं ताकि आराम से आ जाए। तो ये फ्रेंड्स आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। ये फ्रेंड इसके बारे में है, देखिए इसमें 60 फंदे डाले हैं मैंने, 60, और 15 का रो बनाया है, 15 लाइन बनाया है। उसके बाद बॉर्डर, ये वाला ये बॉर्डर बनाया है यहाँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पैटर्न डाला है, आप कुछ भी पैटर्न डाल दो। मैंने सिंपल ऐसे दो सीधा दो उल्टा डाल के ये 5 इंच बुना है, यहाँ तक मैंने 5 इंच बुना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब हमें एड़ी निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसका आधा कर लेना है, जो पूरा है ना उसका आधा कर लेना है आपको, हाफ। तो ये 30 फंदे हैं फ्रेंड्स, और ये 30 फंदे मैंने यहाँ से एक, यहाँ से एक, इस तरह से आपको घटाते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ से एक, यहाँ से एक, इस तरह आप घटाते हुए चलोगे। और यहाँ पे मैंने फिर जाके 12 फंदे छोड़े हैं, और फिर उसके बाद फिर फंदे उठाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इस तरफ घटाना है, फिर आपको इस तरफ उठाना है, फिर जब गोलाई आ जाएगी फिर बुनना आपको स्टार्ट करना है। फिर जब यहाँ से मैं आ गई हूँ, बुन के पूरे फंदे आ गए मेरे, फिर मैंने यहाँ तक 5 इंच फिर बुना है, यहाँ पे 5 इंच बुना है। और फ्रेंड्स ये भी बता दूँ मैं, यहाँ पे जैसे 12 फंदे रखे हैं ना, तो यहाँ 9 और यहाँ 9 फंदे आपको उठाना है, दो तरफ से, यहाँ से 9 फंदे और यहाँ से 9 फंदे। तो 9 दूनी 18 प्लस 12 हो गए आपके 30, ठीक है। तो इस तरह का हिसाब है। अब 5 फंदे जब आप बुन 5 इंच जब आप यहाँ बुन लोगे, उसके बाद फिर आपको ये कटाई स्टार्ट करनी है। आपको देखना है जिस तरफ से जोड़ है उस तरफ नहीं करना है, जिस तरफ बंद है उस साइड से आपको करना है। तो ये इस तरह से होगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, बीच में एक फंदा लिया है। एक फंदा बढ़ा लेना आप, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे एक फंदा लेना है हमको डिज़ाइन के लिए, और नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो दो इधर, फिर एक सीधा, फिर दो इधर, हर सीधी सिलाई में ऐसे करते हुए पूरा ऊपर तक गई हूँ। और ये 3 इंच रखा है मैंने, ये वाला, ठीक है। ये 3 इंच रख के फिर बस ये जैसी लेंथ पूरी हो गई, आप अपने पैर में पहन के देख सकते हो, लेंथ पूरी हो गई तो इसको आपने बंद कर देना है। तो ये जो मैंने पूरा ये लिखा है इसके बारे में, ये पूरा आपको मैं दे दूंगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 60 फंदे ले लेंगे अभी। एक पैर का तो ये बन गया है राइट साइड का, अब लेफ्ट साइड वाला बुनेंगे अभी हम। तो ये है सिलाई, और ये ऊन है, बचा हुआ ऊन था, तो इससे हम अभी फंदे डाल लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए इसमें मैंने फंदे डाल दिए, दो सलाई में डाले हैं। ये देखिए ये इसलिए डाले हैं कि जब इसको खोलेंगे हम और बुनेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा, पैर में ढीला रहेगा अच्छा। ये देखिए जैसे ढीला है, अच्छा। आपकी जो ये वाली पोर्शन रहती है सबसे ज़्यादा बड़ी रहती है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ये आना चाहिए, अच्छे से चले जाना चाहिए सॉक्स। तो उस कारण से हमने ऐसा डाला है। अभी हम इसमें से एक सिलाई निकाल देंगे। अभी एक निकाल दिया, एक से अब हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो पता ही है फ्रेंड्स आपको, बहुत इजी है। चाहे उल्टा उल्टा ले लो, चाहे आप सीधा सीधा ले लो। तो मैंने इसमें उल्टा उल्टा लिया है, तो इसमें शुरू करते हैं।
इस तरह से फ्रेंड्स दोनों तरफ से आपको उल्टा बनाना है और इस तरह से 15 लाइन आपको बनाना है। ये वाला जो है ये पूरा बना के आपको फिर मैं दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कहा था आपको बॉर्डर बना के मैं बताऊंगी। ये जो बना है ये जितना है उतना ही मैंने इसमें बनाया है। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया, ये बन गया है। अब हमको ये वाला बनाना है, ये बनाना है दो उल्टा दो सीधा। ये 5 इंच बुनना है हमको, बता देती हूँ मैं आपको। इस तरह से आपको 5 इंच तक बुनना है दोनों साइड से। ये देखिए दो सीधा दो उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा सा बुनने के बाद फिर मैं और दिखा दूंगी आपको। तो इस तरह से हमें ये अभी इतना बड़ा पूरा बनाना है। तो आगे बना के मैं बताती हूँ आपको।